तो मेरा नाम मूसा हफीज है। तो बात की जाए तो आज तो हर तरफ खबरों में यही चल रहा है कि इमरान खान की गिरफ्तारी क्या हो गई है, उसके बाद की क्या अपडेट है। उसके बाद की अपडेट है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उन्होंने ये हुक्म दिया कि इमरान खान को रिहाई का हुक्म दे दिया, तो शाहाना केस में सजा मुअत्तल कर दी है। तो अब फ्यूचर जो प्रोसेस है चलेगा, मैंने यही कहा था कि इतनी जल्दी रिहाई नहीं होनी क्योंकि इमरान खान के पर इतने केसेस बने हुए हैं कि अब उनकी गिरफ्तारी जो है सारफर केस में डाल दी गई है और अब उन्हें जुडिशियल रिमांड कर दिया गया है। तो कल अदालत से उनका रिमांड लेने की इस्तेदा की जाएगी। तो अब देखते हैं कल अदालत रिमांड देती है या कल इमरान खान को रिहाई का हुक्म देती है। मैंने ये कहा था कि रिहाई हो जाएगी, सजा भी कल दम हो जाएगी, लेकिन इसमें टाइम लगेगा, इसमें हफ्ते भी लग सकते हैं, महीने भी लग सकते हैं। एक दफ़ा गिरफ्तारी हुई है दिसंबर में, टाइम लगेगा, रिहाई हो जाएगी लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, सब्र रखें। तो देखते हैं इमरान खान की गिरफ्तारी साइफर केस में होगी। अब पीटीआई वाले बहुत खुशियां मना रहे हैं और एक दो खुशखबरी की खबर है कि उनका जो तोशाखाना के केस है उसमें सजा मुअत्तल हो गई है, खुशखबरी बनती भी है। लेकिन दूसरे केस में साथ गिरफ्तारी डाल दी गई, अब रिहा नहीं किया गया। तो ये मेरे ख्याल में, मैं पहले भी यही कह रहा था कि रिहाई नहीं मिल रही इतनी जल्दी, इसमें काफ़ी टाइम लग सकता है। तो आप मैंने अगर मेरी पिछली वीडियो देखी हो तो आपको पता हो कि मैंने यही कहा था, कल भी यही बात की थी कि इतनी जल्दी रिहाई नहीं मिली, उसमें टाइम लगेगा, इसमें हफ्ते भी लग सकते हैं, महीनों भी लग जाए। अभी भी शायद साफर के इसमें रिमांड दे दिया जाए 10 दिनों का, 15 दिनों का, 20 दिनों का। अगर उसमें भी बात ना बनी, अलकादर ट्रस्ट का केस है उसमें अगर गिरफ्तारी कर लेगी तो फिर टाइम लगेगा इसमें, लेकिन रिहाई में टाइम लगेगा। आप देखते हैं कितना टाइम लगता है, क्या पता शायद जल्दी रिहाई मिल जाए, कुछ कल रिहाई मिल जाए, शायद नेक्स्ट वीक हो जाए, शायद नेक्स्ट मंथ में चली जाए। केसेस इतनी है, किसी ना किसी केसेस में डाल दें। अगर पी टी आई के वकील सारे केसेस में जमानत की दरख्वास्त दायर कर दी, अगर सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने कह दिया कि इमरान खान को किसी केस में ना गिरफ्तार किया जाए, तो फिर कल भी रिहाई हो सकती है।